ये बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से जो है आज पूरे भारत के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज तालुक वाइज जो है मनवी दी है। इससे पहले एक हम सत्याग्रह का 31 दिसंबर को सत्याग्रह का प्रोग्राम किए थे। आज जो है 8 तारीख को पूरे भारत देश के अंदर जो है NRC CAA NPR तीनों एक ही है, इसलिए जो है ये नहीं लागू होना। ये आकर के पूरे तालुक के चर्चन के खेड़े के सब साथी हमारे मुस्लिम समाज के और SC ST OBC अदर कास्ट बैकवर्ड क्लास के जो जितने भी साथी हैं समाज के वो सारे साथी आकर के तहसीलदार को हम ये मनवी के हमारा एक दुख भरा दर्द सुनाए कि असम के अंदर जो है 19 लाख लोग NRC के अंदर बाहर हुए। NRC के अंदर बाहर होने के बाद जो है उसमें से 14 लाख लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई थे और 5 लाख लोग हमारे मुसलमान लोग थे। तो सारे लोग आज जो है NRC की वजह से जो डिटेक्शन सेंटर में फेंका गया है और BJP वाले घर घर आकर के ये दावत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि धोखा दे करके कि NRC से किसी को नुकसान नहीं है। अगर NRC से नुकसान नहीं होता तो असम के अंदर 19 लाख लोगों को क्यों डिटेंशन सेंटर में फेंका गया है? उनको क्यों जो है खाने के लिए खाना नहीं है? वो छोटे बच्चों के ऊपर रहम नहीं है, उनके ऊपर औरतों के ऊपर औरतों के लिए कोई काळजी नहीं है, फिक्र नहीं है, चिंता है। छोटे बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट हैं, किसी के लिए भी कोई BJP सरकार की चिंता नहीं है, अमित शाह को, मोदी को और ब्राह्मण RSS को। इसलिए जो हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं आज कि आज के दिन हम आज सिर्फ मेमोरेंडम दिए हैं। इससे पहले हमने सत्याग्रह किया था बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से पूरे भारत के अंदर। आज जो है मेमोरेंडम ये दिए हैं तहसीलदार के ऑफिस के अंदर। हम देश को ये सूचना दे रहे हैं, हम देश की जनता को बता रहे हैं कि हम जो है मूल निवासी भारत के, हम देश के अंदर अमन चाहते हैं, हम देश के अंदर शांति चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। आज तक जो है मुसलमान हो या SC ST के लोग हो, आपस के झगड़े लड़ते रहे, लेकिन राजनीति के झगड़े जो लड़ाने वाले ब्राह्मण थे, इसलिए राजनीति के झगड़े होते रहे। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पूरे देशवासियों को मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि NRC जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और CAA हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, NPR हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देश के दस्तूर यानी कानून जो है, संविधान जो है, जिसके ऊपर देश चलाया जाता है, उसको जो है खुलेआम जो है ये लोग नकार रहे हैं, झुटला रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इसलिए मैं सारे देशवासियों से कहता हूँ कि सबको जागृत होना चाहिए, सबको होशियार होना चाहिए। हम उनको बोलना चाहते हैं कि जो तुम लेकर के आ रहे हैं NRC के बारे में, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, तो उनको मेरा पहले यह बात है कि अगर कुछ नुकसान नहीं होता तो असम के अंदर 19 लाख लोग क्यों बाहर हुए? तुम उनको बोल सकते हैं ना, घर को कहीं कहते बोले हमने ये बताया भी है, लोगों को समझाया भी है कि हम सब लोगों को घर जाकर हमने भी समझाया कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये शुरू से लेकर जब से सत्ता में आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक धोखा ही देते आ रहे हैं। हर लाइन में धोखा दिया, 15 लाख दालतों बोला धोखा दिया, 2 करोड़ नौकरियां देता हूँ बोला सर में वो भी धोखा दिया, GST के नाम पर धोखा दिया, नोटबंदी के नाम पर धोखा दिया। हर लाइन में जो है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हुए आकर के इस देश के सारे जनता को गुमराह खुद करते हैं और दूसरे के ऊपर डालते हैं। अभी NRC कैंसिल नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? NRC कैंसिल नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम DNA टेस्ट के लिए होराट करेंगे, DNA टेस्ट के लिए लड़ेंगे कि DNA टेस्ट के अंदर साबित हो जाएगा कि कौन देशवासी है और कौन बाहर से आया हुआ है। तहसीलदार क्या बोले तुम्हारे? तहसीलदार ने पूरा हमें इत्मीनान दिलाया है मनवी देने के बाद कि वो बोले हैं कि हम आपके दुख को दर्द को समझे हैं, आप जो है हम ये मनवी जो आप हमें दिए हैं ये मनवी को हम जो है रद्दी के बारे में ऊपर केंद्र सरकार को भेजेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं देवरी मर्गी से हूँ और चर्चन तालुके के पूरे लोग जो है खेड़े से जमा हुए हैं, हर समाज के लोग हैं यहाँ पर।